Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Good morning, कैसे आप लोग? I hope कि बहुत अच्छे होंगे. नए व्लॉग में आपका स्वागत करते हैं guys, और आज एक लोकल ड्यूटी में आपका स्वागत करते हैं. कल रात को आपको पता ही होगा कि मैं 2 बजे के आसपास आया हूँ और ब्लॉग अपलोड कर दिया है, जाके देखिए. और चलिए आज लोकल ड्यूटी में कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं. अभी ये भी कन्फर्म नहीं हुआ है कि वो कैश ड्यूटी है कि साइन ड्यूटी है. बस मैसेज आ गया मुझे ऑफिस से, तो अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए. देखो 9:54 है, यहीं पार्ला स्टेशन के पास से ही है, तो इसलिए 5-6 मिनट लगेगा जाने में ही. तो सामने स्टेशन है बिले पार्ला स्टेशन, तो वहीं से पिकअप है. और पार्ला इंटरनेशनल होटल के बाजू में वो बिल्डिंग है, तो अभी वहीं मैं चल रहा हूँ. और कल रात को मैं रूम पे 2 बजे पहुँचा हूँ, मतलब गाड़ी वाड़ी खड़ी करके. जैसे 1:15 तक तो आ ही गया था, और हिसाब हिसाब लिखने उखने में थोड़ा 2 बज ही गया था. तो अभी चल रहा हूँ पिकअप करने. और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि जो वीडियो डालो पहले आप लोगों को मिल सके. तो चलिए देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो. सो गाइस, तो आ गया हूँ कस्टमर के घर पे. ये देखो बिल्डिंग है, और लॉबी के सामने ही लगा दिया है गाड़ी. और यहाँ से जाना है हमें हाई कोर्ट. आज आपको हाई कोर्ट भी देखने को मिलेगा बॉम्बे का, जो मूवी में आप देखते थे आज रियली का दिखाएंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा इस वीडियो में, मिलते हैं हाई कोर्ट पहुंच के, लेट्स गो. गाइस, तो पहुंच चुका हूँ काला घोड़ा मुंबई हाई कोर्ट. और भाई सर तो चले गए कोर्ट में और मैं ट्रैफिक में फंस गया, उतर के चले गए. और देखो 11:59 हो गया, 2 घंटे लग गया आने में. और गैस का हालत देख रहे हो, 2 पॉइंट मतलब कितना किलोमीटर आया हूँ ये देखो आप, 29 किलोमीटर आने में 3 पॉइंट खत्म हो गए. भाई मुंबई की ट्रैफिक ऐसी ही होती है, देख रहे हो गैस की हालत, 3 पॉइंट खड़े खड़े ख़त्म हो गया. फुल करा के लेकर आया था. और ये देखो भाई नज़ारे, ये हैं काला घोड़ा के नज़ारे. उस दिन आया था तो भाई नहीं वीडियो बनाया था उस दिन, तो चलिए बने रहिए. और आपको बता दें शाम को लगभग 8:30-9 बजे तक हो जाएगी छुट्टी, ठीक है? क्योंकि यहाँ से जाएंगे अभी कोलाबा काजवे कंटोनमेंट एरिया में, और फिर वहाँ से वापस यहाँ मीटिंग है 5:30 बजे की. तो 5:30 बजे मीटिंग ख़त्म होगा तब हम यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? तो सारा डिटेल्स बता दिया, तो बने रहिएगा इस वीडियो में. तो ये रहा कोर्ट, आप देखो ये जो सीन है ना, ये बॉलीवुड के बहुत सारी मूवी में दिखाया गया है ये सीन. ये देख लो पूरा पीछे, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट लिखा हुआ है, देख सकते हो. हर वीडियो मतलब हर मूवी में अगर हाई कोर्ट का सीन रहेगा ना, तो ये जरूर दिखाया जाता है उसमें बॉलीवुड के. और ये मेन रोड है, उसी रोड पे है. और यहाँ पे हॉर्न बजाने का सख्त मनाही है, यहाँ पे बोर्ड लगाया गया, देख रहे हो, यहाँ परिसरत हॉर्न बजने सख्त मनाही है, ठीक है? तो यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते, बट ठीक है लोग बजाते हैं मुंबई में. और ये देखो कोर्ट भाई, अंग्रेजों का बनाया हुआ, देख रहे हो बिल्डिंग कैसी है पुराने ज़माने की, ये देखो. और थोड़ा इधर एक गार्डन है ना, उधर से अगर उस रोड से दिखाता हूँ ना तो पूरा दिखता है, लेकिन ट्रैफिक में कहाँ जाऊँ अभी यार. तो जितना दिखाया उतना ही देख लो, ठीक है? तो चलो बने रहो. भैया चिकन लाए हैं 100 रुपया वाला, जबकि 2 जनी है. और ये देखो लहसुन का काम चालू है, और आज दिखाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे चिकन, ठीक है? बहुत दिन के बाद बना रहे हैं, क्योंकि नवरात्रि के बाद बना नहीं है भाई. अब नवरात्रि के बाद अब परसों हो जाएगा रक्षा बोल रहा हूँ, करवा चौथ, ठीक है? हाँ, तो करवा चौथ के दिन भाई नहीं खा सकते हैं, तो इसलिए भाई आज ही बना के खा लेते हैं. तो चलो बने रहो, और हम चलते हैं दिखाते हैं आपको तामझाम बनाने की प्रक्रिया, ठीक है? तो बने रहो गाइस. ये है कांदा, और ये है देखो लहसुन, मिर्चा, अदरक, मिर्च जिसको बोलते हैं, और कांदा. और ये देखो चिकन भाई, अब चिकन बनाएंगे मस्त, अब चलते हैं और इसको तड़का उड़का मारेंगे. हम नहीं बना पाते, सिर्फ हम मसाला रेडी कर दिए हैं. और मसाला कौन सा हम यूज करते हैं मालूम है आप लोगों को? ये हमारे गांव वाला राजेश मसाला, ये हमारे गांव के ही बाजू में है, कपसेठी करके, वहीं अमेठी करके है, देख सकते हो आप.
जो कि वहाँ पे बनता है, ये राजेश मसाला, और गांव में बहुत फेमस है। ठीक है, ये देख रहे हो, हाफ के जी के लिए मीट के लिए पर्याप्त, एक पैकेट डाल दोगे हाफ के जी में, बहुत हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी लाजवाब रसदार बनता है एकदम। तो चलिए बनाते हैं, दिखाते हैं। सो गाइस, तो तड़का उड़का लगा दिए हैं, देख सकते हो। और ये मैं नहीं बना रहा हूँ, जो हमारे साथ में रहते हैं भैया वो बनाते हैं अच्छा, और मैं भी बना लेता हूँ, मतलब उतना नहीं ढंग का बना पाता, तो इसलिए वो तड़का लगा रहे थे, तो मैं सोचा चिकन उकन धो लेता हूँ तब तक। और ये देखो आप, और इधर बाजू में चावल भी रख दिया है पकने के लिए, और चिकन धोने के बाद देखो डाल दिया है भैया ने, और अभी ये पकिएगा थोड़ी देर तक, फिर उसके बाद मसाला उन्होंने रेडी कर लिया है ऑलरेडी। अब मैं चलूँगा आटा लगाने के लिए। ठीक है, तो चलो आटा ये देखो लगा के रेडी रख दिया है, और ये थोड़ा थोड़ा उबाल मारने लगा, तो धनिया काट के साइड में रख दिए हैं, और चावल भी पक गया है देख सकते हो आप। और ये अभी थोड़ा 10 मिनट लेगा, फिर अब हम रोटी बनाने के लिए रेडी हैं। तो आज हम रोटी बनाएंगे भाई, ऐसे मैं ही रोटी बनाता हूँ, आप देखो कैसा बनाता हूँ, आप ज़रूर कमेंट करना। और भाई पसीना इतना हो रहा था ना गरम का, भाई पूछो मत, गरम इतना हो रहा है रोटी बनाने में, एक औरत कैसे भाई रोज़ रोटी बनाती है वही नहीं समझ में आता। लेकिन भाई ठीक है, खाना बनाने में मज़ा आता है लेकिन आधे घंटे में। और ये देखो भाई, पहली रोटी हम लोग कुत्ते लोग को खिलाते हैं, जानवर लोग को, और इसलिए उसको फुलाते नहीं, उसको थोड़ा हीट कर देते हैं। आप ये मत बोलना कि अंकित भाई आपको आता नहीं है रोटी फुलाने, मैं अच्छी खासी रोटी फुला लेता हूँ। तो ये पहली रोटी आप देख सकते हो, दूसरी रोटी इधर बेल रहा हूँ, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे रोटी बनाने के लिए, और मज़ा भी आता है मुझे एकदम इन्जॉय के साथ। और रोटी मैं दो ही जने तो 7-8 रोटी बहुत हो जाती, लेकिन आटा उस हिसाब से लगाया हूँ कि थोड़ी ज़्यादा ही रोटी बन जाए, क्योंकि चावल कम डाले हैं। चावल सिर्फ मैं ही खाता हूँ, भैया खाते नहीं, रोटी ही खाते वो ज़्यादा करके, अब मेरा बिना चावल का नहीं चलता, तो इसलिए मैं रोटी चावल मिक्स करके खाता हूँ। ठीक है, तो देखो एक रोटी मैंने उधर साइड में रख दिया दूसरी, और अब चलिए पूरा बना लेता हूँ तब दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हो गई सारी रोटियाँ तैयार, और अब हम लोग चलेंगे खाना खाने के लिए, और आपको टेस्ट बताएंगे और कैसा बना है। देखो एकदम बढ़िया सा बना, एकदम मस्त पका हुआ, लहसुन भी अलग से खड़ा वाला डाला गया है, और रोटी इधर, और इधर देखो राइस रखा हुआ है साइड में, क्योंकि चावल मैं ही खाता हूँ ज़्यादा, भैया तो नहीं खाते हैं। और अभी हम इसको करेंगे टेस्ट, और टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा बना है। ठीक है, टेस्ट भी करना ज़रूरी है गाइस, टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। वाह वाह वाह, एक नंबर। चलो भाई खाने दो, एक नंबर बन गया है एकदम स्वाद के साथ, और दो ही जन है, एक थाली उधर है, इधर कांदा बीच में, रोटी चावल, और मस्त अब खा रहे हैं। अब मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, कल ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ब्लॉग पे भाई कमेंट जरूर दबा के करिएगा, क्योंकि हम लोग ड्राइवर आदमी हैं, जैसा बना सब कुछ अच्छा बना। ठीक है, जल्दबाजी में।